हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम एट द एमसीजी एकेडमी ग्वालियर। दोस्तों, एमसीजी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को 8th क्लास का जो नेक्स्ट आप लोगों का लास्ट वीडियो में आप लोगों का 2.3 तक कंप्लीट हो चुका था, तो आज आप लोगों का 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को अब अपनी पढ़ाई पर थोड़ा जोर देना होगा, आप लोगों को बढ़ानी होगी अपनी पढ़ाई की स्पीड, क्योंकि जल्द से जल्द आप लोगों की परीक्षाएं होने वाली हैं। तो इसी कारण हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा आप भी मेहनत कीजिएगा। शुरुआत करते हैं आप लोगों का 2.4 एक्सरसाइज। आप सभी को बताना चाहूंगा, आप लोगों को इस चैनल पर सारी सारी क्लासेस मीन साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी तक आप लोगों को सब कुछ उपलब्ध होने वाला है। सो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने फ्रेंड्स को भी बता देना है, घर बैठे आप सभी तैयारी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.4। आप लोगों से क्या कहता है, पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया, क्या कहता है, अमीना थिंक्स ऑफ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5 बाय 2 फ्रॉम इट, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी 2 ऑफ व्हाट इज द नंबर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी अपनी बुक निकाल के बैठाना है। जो कुछ भी हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, दिखाना चाहूंगा आप ही लोगों की बुक में से पढ़ाते हैं। सो आप लोगों को जब भी आप लोग मैथ की क्लास में आते हो तो अपनी कॉपी पेन साथ लेकर के बैठ जाना है, आप लोगों को अपने नोट्स भी तैयार करने हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। इसके साथ आप लोगों का जो क्वेश्चन दिया गया है, अमीना एक संख्या सोचती है जिसमें से वह 5/2 घटाती है, मीन सी सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, साथ ही साथ परिणाम को 8 से गुणा करती है। जो आप लोगों का इसका आंसर आता है उसको 8 से भी गुणा करती है, तो जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या की 3 गुनी है। लेट द नंबर अमीना थिंक्स, अमीना ने जो नंबर सोचा था वह संख्या एक्स है। पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन है, हम आप लोगों को जल्द से जल्द सब कुछ करवाने वाले हैं, आप लोगों को कोई भी यहां पर फालतू लेक्चर नहीं दिया जाएगा। सो प्लीज आप लोगों को भी कॉपरेट करना है हमारे से। तो आप लोगों से क्या कहता है, माना कि वह संख्या आप लोगों का क्या है, वह संख्या है आप लोगों का एक्स। माना कि वह संख्या एक्स है, कौन सी संख्या, जो अमीना ने सोची थी। अब उसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं, प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों से, एटीक्यू मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों को सीधा सीधा दिया गया है कि वह है उसमें जो है 5/2 घटाती है, तो एक्स में से उसने 5/2 घटा दिया और घटाने के बाद जो प्राप्त होता है तो प्राप्त क्या होगा, यही प्राप्त होगा। अब उसमें वो 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका जो उत्तर प्राप्त होता है, जो आंसर प्राप्त होता है, जो संख्या उसने सोची थी उसका 3 गुना होता है, तो मीन्स ये बराबर होगा 3x। समझ आया, उसने आप लोगों से क्या कहा, अमीना ने एक संख्या सोची तो संख्या है एक्स, हमने मान लिया उसमें से उसने 5/2 घटा दिया, तो हमने उसमें से 5/2 घटा दिया। और उसी के साथ वो हमसे कहता है, क्या कहता है दोस्तों, 8 का मल्टीप्लाई करने पर, तो हमने उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसी के साथ अब हम आप लोगों को यहां पर क्या दिख रहा है, ये इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 8x माइनस आप लोगों का 5/2 इंटू 8, इसका जो आप लोगों का दिया गया 3x, इसको यदि हम कट करते हैं तो ये 4 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आप लोगों का 8x और ये 5/4 आप लोगों का हो जाएगा 20, ये रहेगा आप लोगों का 3x। इसमें से यदि इसको घटाते हैं तब लेके आएंगे एक्स और माइनस का 3x, इसका जो आप लोगों का हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आप लोगों का 5x, और 5x इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का 20। यदि बात करें x का जो वैल्यू का प्राप्त होता है, x इक्वल टू आप लोगों का होगा 20/5, और कट कर देंगे तो ये आप लोगों का 5/4 20, मींस x का जो वैल्यू आप लोगों का 4 प्राप्त होने वाला है। मींस जो संख्या सोची गई थी अमीना के द्वारा, आप लोग पूछी गई सोची गई संख्या क्या थी, सोची गई संख्या एक्स मानी थी, एक्स का वैल्यू हमको 4 प्राप्त हुआ है, तो आप लोगों को सोची गई संख्या 4 आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, आशा करता हूं सवाल समझ में आया होगा, कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होगी, यदि होती है तो संडे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हाजिर है। और आप लोगों को एक बात फिर से बोलना चाहूंगा कि पढ़ते समय कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, यदि रजाई में घुस के पढ़ाई कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला, आप लोगों का टाइम वेस्ट और हो जाएगा। तो आप लोग रेगुलर आइएगा, पढ़िएगा रेगुलर, 3 बजे दोपहर 3 बजे हम क्लास लेते हैं, और यदि आप लोग उस समय नहीं पढ़ सकते तो नाइट में आप लोग क्लास को ले सकते हो, 3 बजे आप लोगों का पब्लिश कर दी जाती है। बस 3 बजे का फायदा ये रहेगा कि आप उस समय यदि हमसे क्वेश्चन पूछते हो उस समय आप लोगों को तत्काल रिप्लाई दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए लाइव प्रीमियर चलता है। ओके, इसके साथ आप लोगों का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट थोड़ा सा होशियार होते हैं तो वो आसानी से हमें कॉपरेट कर सकते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी।
इसी के साथ जो आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर टू सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों से सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन कहता है आप लोगों से ए पॉजिटिव नंबर इज फाइव टाइम्स अनदर नंबर इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर व्हाट आर द नंबर्स पूछा गया सीधा सीधा ए पॉजिटिव नंबर इज फाइव टाइम्स अनदर नंबर एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या से पांच गुनी है If 21 is added both the number दोनों में यदि हम 21 जोड़ दें then one of the new number becomes twice to another number जो पहला वाली संख्या होगी दूसरी वाली संख्या की दोगुनी है बांट आता numbers आप लोगों को वह संख्याएं ज्ञात करनी है तो आप लोगों से क्या पूछा गया है सीधा एक बार और आप लोग मीडियम वाले स्टूडेंट को पढ़ के सुनाता हूं दो संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या की पांच गुनी है पहली संख्या दूसरी संख्या की पांच गुनी है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की पांच गुनी है तो आप लोग भाषा पे ध्यान दीजिए पहली संख्या पांच गुनी है दूसरी संख्या से तब माना दूसरी संख्या आप लोगों की क्या है एक्स तब लेट सेकंड नंबर इज एक्स हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट थोड़ा कॉपरेट कीजिए लेट सेकंड नंबर इज एक्स Then first number will then तब पहली संख्या आप लोग क्या होगी फाइव टाइम्स है इसका तो आप लोगों का क्या होगा फाइव टाइम्स यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी आशा करता हूं अब आप लोगों से क्या कहा गया दोनों में यदि 21 जोड़ दिया जाए आप सीधा सीधा बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीपी आप लोगों का सोल्यूशन तक आ चुके हैं दोनों में ये एक्स रहा ये फाइव एक्स रहा दोनों में 21 जोड़ दिया जाए इसमें भी 21 जोड़ दिया इसमें भी 21 जोड़ दिया अब आप लोगों से क्या कहता है वो इफ 21 इज एडेड बोथ द नंबर दोनों में 21 जोड़ दिया देन द वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स जो है टू टाइम्स मीन्स जो आप लोगों का पहली संख्या होगी दूसरी संख्या से फिर भी जोड़ती रहेगी तो ये रहा पहली संख्या ये रही आप लोगों की दूसरी संख्या ये रही पहली संख्या आप लोगों की ये रही तो आप लोग क्या कहता है क्वेश्चन में ध्यान दीजिए जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी से दोगुनी हो जाएगी तो पहली संख्या ये रही दोगुनी हो जाएगी दूसरी संख्या से अब ये दोनों संख्याएं बराबर हैं क्यों जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा है कि दूसरी संख्या एक्स मान लिया पहली संख्या से पांच गुनी दो पांच एक्स कर दिया अब वो आपसे कहता है 21 जोड़ना है दोनों तरफ से 21 जोड़ दिया ऐसा करने पर जो पहली वाली संख्या है दूसरी वाली संख्या से दोगुनी हो जाएगी दोगुनी कर दी इसके बाद तो बराबर होना ही है क्योंकि दोगुनी हो जाएगी दोगुनी कर दिया तो उसी बराबर हो गई ना सीधा शुरुआत करते हैं इसकी 2x और ये हो जाएगा आप लोगों का 42 5x और प्लस 21 ओके x ये वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड तो ये आप लोगों का हो जाएगा 2x माइनस का 5x ये तब लेकर के आना है 21 माइनस का 42 इसको यदि करते हैं तो माइनस का 3x इसको यदि माइनस करते हैं तो माइनस का 21 आएगा माइनस माइनस आप काट सकते हो अब बात करें यदि x का वैल्यू तो आप लोग क्या फाइंड होने वाला है 3x इक्वल्स टू आप लोगों का 21 आने वाला है तो x इक्वल्स टू आएगा आप लोगों 21 / 3 कट करते हैं x इक्वल्स टू आप लोगों को 7 राइट आंसर प्राप्त होगा x का वैल्यू आप लोगों को कितना आ गया 7 x की वैल्यू में आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए अब आप लोगों से कहता क्या है तब दी गई संख्याएं याद कीजिए संख्याएं हमारी थी x और 5x एक आ चुकी है हमारी कितना 7 और दूसरी आएगी 35 527 होगा ना तो आप लोगों के दोनों नंबर जो है फाइंड हो चुके हैं आशा करता हूं इसमें कोई परेशानी ना हो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को जो है वाई नंबर में परेशानी हो रही है तो मैं क्लियर कर देता हूं लेट द सेकंड नंबर इज जैसा आप लोगों का एक्स दिया गया है फर्स्ट नंबर इज 5x आप लोगों का हो चुका है देन आप लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोगों को कॉपरेट तो लाइफ में करना ही पड़ेगा हमारे साथ नहीं तो किसी और के साथ ठीक है क्योंकि ये सभी लोगों को देखकर बनाया जा रहा है इसीलिए आप लोगों को ऑपरेट को करना ही पड़ेगा इसके साथ शुरुआत करते हैं नेक्स्ट नंबर की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन है थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है आप लोगों ने देखा होगा हमारी क्लास में आप लोगों से हम चर्चा ज्यादा नहीं करते क्योंकि आप लोगों को मेहनत करनी है रिजल्ट आप ही लोग दोगे तभी हमें पता तो चलेगा कि हमारे स्टूडेंट पढ़ते भी है कि नहीं तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर दो अंकों की एक संख्या है दो अंकों वाली एक संख्या दी गई उसके अंकों का योग आप लोगों को दिया गया है तो आप लोगों का दिया गया है
sum of the digit of two number is 9 when the interchange the digits means अंकों को अपने स्थान पर ही पलट देते हैं तो interchange the digits it is found that resulting number new number जो आप लोगों का आने वाला है greater than the original number by 27 what is the two digit number आप लोगों को बताना है कि यह आप लोगों को संख्या दी गई है दो अंकों की संख्या दी गई है जिनका योग है आप लोगों का 9 दिया गया है साथ ही साथ इस संख्या को यदि अंकों के स्थान को बदलकर संख्या प्राप्त होती है दी गई संख्या से 27 अधिक का होती तो आप लोगों को जो ये संख्या याद करना है फिर से बोलना चाहूंगा पढ़ते समय कॉपी पेन निकाल कर बैठिएगा क्योंकि जब तक आप कॉपी पेन नहीं निकालोगे तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ाया और आप लोगों ने क्या नोट किया तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आप लोगों से कहता है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि वो कह रहा है आप लोगों से कि दो अंकों की संख्या है संख्या कितने की अंकों की दो अंकों की संख्या है अब दो अंकों की संख्या की यदि हम बात करें तो आप लोगों को इकाई का अंक दहाई का अंक समझ में आना चाहिए ना इकाई दहाई आप लोग जानते हो इस प्रकार से यदि 10 लिखते हैं तो ये आप लोगों का इकाई ये डिजिट है ये आप लोगों का 10 डिजिट है तो 10 डिजिट है तो आप लोगों का क्या आप लोगों का इकाई दहाई यहां से क्लियर होना चाहिए तो इसीलिए हमें दो अंकों की संख्या है दो अंकों की संख्या होना चाहिए इसमें एक इकाई का अंक होगा एक दहाई का अंक होगा एक बार क्वेश्चन में फिर से दिया गया है क्या दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है अब अंकों का योग 9 है मान लिया इकाई का अंक माना इकाई का अंक बराबर x अब चूंकि दिया गया है उनका योग 9 है तब दहाई का अंक क्या हुआ 9-x हुआ तब दहाई का अंक आप लोगों से क्या कहेगा क्योंकि टोटल कितना है 9 अब एक तो x हो गया बचा हुआ 9 में से घटाएंगे वही तो बचेगा 9 में से घटा दिया 9-x हो गया कोई परेशानी यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए अब आप लोगों को इकाई का अंक दे दिया दहाई का अंक ये आप लोगों का हो गया 9-x अब आप लोगों से क्या कह रहा है संख्या क्या होगी संख्या यदि हम बात करते हैं संख्या किस प्रकार से लिखते हैं इधर हम इकाई का अंक लिखते हैं फिर दहाई का अंक लिखते हैं और दहाई के अंक जो है क्या है इकाई के अंक देखो आप लोग लिखते होंगे जैसे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 दहाई से अगला 1000, 10000, 1,00,000 बड़ा हो गया समझ नहीं आएगा आप लोगों को 1000 तक आप लोगों का ले दिया है मैंने 1000, 10000 अब आप यूनिट डिजिट को देखोगे तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों का 100 होता है यहाँ आप लोगों का 1000 होता है इस प्रकार से आपके मल्टीपल पेज चलते हैं तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यूनिट डिजिट पर क्या है एक का गुणा होगा संख्या जो बनेगी तो आप लोगों का इकाई का यहाँ आएगा प्लस ही तो होगा क्योंकि आप यदि टोटल नंबर के रूप में लिखते हो ये रहा आप लोगों का नंबर तो आपको क्या है टोटल जैसे कि दो अंकों की संख्या होगी 1 और 9 तो आप लोगों का 1 और 9 इस प्रकार से देखना चाहिए तो इस प्रकार से आप पहला जो दिया गया है और दूसरी दहाई का अंक 9-x आप लोगों का क्या 10 क्योंकि ये दहाई के स्थान पर इसमें 10 का गुणा होगा ये इकाई के स्थान पर इसमें 1 का गुणा होगा नंबर आप लोगों का क्या होगा 10 9-x और प्लस का x जिसको कर देते हैं तो 90 और माइनस का ये होने वाला है कितना होगा आपका 10x और प्लस का x मींस यदि इसको आप करते हो तो 90-9x आप लोगों का हो जाएगा यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए अब आप लोग क्या कहता है अंकों के स्थान को वो पलटना है मींस इकाई की जगह दहाई को दहाई की जगह इकाई को रखने वाले हैं इकाई की जगह दहाई को मींस आप लोगों को इंटरचेंज आप लोगों का नियोग कहा है तो इसको हम करते हैं किस प्रकार से करेंगे संख्या अब ये जो इस प्रकार अंकों को पलटने पर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है थोड़े से क्वेश्चन आप लोगों के लेवल के हार्ड है लेकिन आप लोग ध्यान से देखना है समझ अवश्य आएगा अंकों को पलटने मतलब इकाई की जगह दहाई को रखना है दहाई की जगह इकाई को रखना है बस सिंपल तो इकाई जो है यहाँ दहाई वाला रखना है दहाई वाला ये अंक होगा मीन्स 9-x(1) क्योंकि इकाई के स्थान पर इस बात करें दहाई की तो ये है दहाई के स्थान पर 10 और 2x बस होगा आप लोगों का 10x और प्लस 9-x यदि इसको आप करते हो तो ये हो जाएगा आप लोगों का 9x और प्लस का 9 हो गया अब ऐसा हमने कर दिया है ऐसा जिस प्रकार से हमने दिया गया है ये रहा यहां तक आप लोगों को परेशानी नहीं होगी अब मैं आप लोगों को आगे लेकर के चलता हूं इसको हम ड्रॉप करते जाते हैं धीरे धीरे
ये आप लोगों का हाँ फाइनल संख्या तो आपको दिखना चाहिए, ये रही और ये रही, दो संख्या आप लोगों की रह चुकी है। अब क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, ऐसा करने पर जो है ये जो संख्या होती है इस वाली संख्या से 27 अधिक, ये वाली संख्या इस वाली संख्या 27 अधिक हो जाती है। इस प्रकार से देखते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को अगर फिर पढ़ते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा दी गई संख्या 27 अधिक है, मतलब इस संख्या के यदि अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त, अंकों का स्थान बदलकर जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो दी गई संख्या 27 अधिक है, अंकों का स्थान बदलने पर हमें ये वाली संख्या प्राप्त हुई, इस वाली संख्या जो इस वाली संख्या 27 अधिक है, तो हम इनको लिखते हैं 90 + 9x इसको दिया गया 9x और +9। अभी ये क्वेश्चन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाली संख्या जो प्राप्त हुई इस वाली संख्या से 27 अधिक है, तो इसमें 27 जोड़ दीजिए, अरे तभी तो बराबर होगी ना। मेरे पास श्याम से 10 रुपए जाना है, मेरे पास जो है श्याम से 10 रुपए जाना है, अब हम दोनों की बराबर करने के लिए श्याम को 10 रुपए देने पड़ेंगे ना, तभी तो बराबर होगी, सही है। इसी प्रकार ये इससे 27 ज्यादा था, तो इसमें हमें 27 रुपए दे दिए, ऑटोमेटिक बराबर हो गया। करते हैं 90 + 9x और +27 आप लोगों का ये रहा, ये रहा आप लोगों का 9x + 9, वेरी इजी है। अब आप लोगों को करना क्या है, वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड, वेरी 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 इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब मैं आप लोगों को क्या चीज दिखाने वाला हूं कि आप लोगों का जो वैल्यू प्राप्त होने वाला है बहुत ही आसान तरीके से, आप लोगों को 9x 9x दिख रहा होगा, देर लेकर के आना है इसको, कहीं ना कहीं आप लोगों से कोई ना कोई, हाँ कोई मैं सोच रहा था कोई ना कोई आप लोगों से परेशानी हुई है, तो ये आप लोगों का माइनस का 9x है, क्या है आप लोगों का माइनस, क्योंकि ये यदि दोनों ही सेम दोनों उसे सेम यदि इनका साइन होता है तो ऑटोमेटिक कट ही जाएंगे, इस प्रकार से यदि आप करते हो तो ये आप लोगों का आप इसको आसानी से मिटा सकते हैं, ये रहा आप लोगों का, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा माइनस का 9x और ये इधर लाइन माइनस का 9x, ये हो जाएगा आपका प्लस का 9 -90 और -20 हो गया, वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड, अभी क्या है माइनस का 18x और ये आप लोगों का हो जाएगा, इसमें से यदि आप इसको घटाते हो तो ये आप लोगों का रिटर्न होता है 27 में इस बार 108 आप लोगों का प्राप्त होगा, 100 कितना प्राप्त होगा 8 प्राप्त होता है कोई नेगेटिव नंबर्स के साथ, 108 नेगेटिव नंबर के साथ यदि आप लोगों का प्राप्त होता है ये आप लोगों का, इसको मिटा सकता हूं आसानी से, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन आप हाल ही नोट करते जाना है, माइनस माइनस कट जाएगा, बात करें यदि एक्स की ये आप लोगों का अपॉन में कितना 18 आ चुका है। अब इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा काट देना है 18 का टेबल आप लोगों को आराम से 18 36 54 54 92 और 18 6 आप लोगों का 108। एक्स का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है आप लोगों को कितना प्राप्त हुआ है 6, एक्स का वैल्यू आप लोगों को 6 प्राप्त हुआ है। बुक में आप लोगों से क्या बोला गया है, दी गई संख्या आप लोगों को क्या करना है, तो दी गई संख्या जो हमने माना था, बात करते हैं इकाई और दहाई की, ये तो हमने क्या किया था इकाई का क्या माना था हमने, क्वेश्चन के अनुसार फिर से एक बार लौट करके आपको चलना होगा, दो अंकों वाली एक संख्या का अंकों का योग 9 है, इकाई दहाई का अंक, इसमें इकाई का अंक हमने एक्स माना था, इकाई का अंक हमने एक्स माना था, तो इकाई का अंक कितना आ गया 6, एक्स बार 6 आ गया, और दहाई का अंक 9 - x माना था, मीन 9 - 6 - 3, तो दो अंकों की संख्या क्या होगी, इकाई के अंक का 6 और दहाई के अंक का 3, मीन आप लोगों की जो संख्या होगी कितनी होगी 36। ओके, कोई परेशानी इसमें आप लोगों का नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आप लोगों को थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है समझ आया होगा, यदि आप लोगों को फिर भी कोई परेशानी है मैं आप लोगों को फिर एक बार समझाई देता हूँ, जिस प्रकार से उसने पूछा गया था तो आप लोगों को क्या है कि इकाई का हमने एक्स माना था, उसने पूछा दहाई का अंक दहाई के अंक की बात करें तो क्या है टोटल 9 था, दहाई का अंक 9 - x ही तो होगा, इस प्रकार से उसने एक बार कहा कि संख्या को बनाना है तो हमने संख्या बनाई थी वो इस प्रकार से ये आई थी, और यदि अंकों के स्थान को पलटने पर हमें ये वाली संख्या आई थी, फिर उसने क्या कहा था यदि ऐसा करते हैं मीन्स ये संख्या पलटने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो पहली वाली संख्या, ये वाली संख्या थी ना हमारी पहली वाली संख्या 27 अधिक होती है, 27 अधिक होती है 27 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 27 में जोड़ने पड़ेगा तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसके साथ फिर आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करना देख लिया होगा तो आप लोगों को आंसर जो है क्लियर हो ही गया होगा। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करके चलने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, इनको नोट जरूर कीजिएगा, यदि आप लोग इनका फेयर नहीं करोगे तो आप लोगों को बहुत परेशानी आने वाली है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, और आप यदि इनकी नोट्स नहीं तैयार करोगे तो आप ही लोगों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के चलता हूं, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों से क्या कहता है, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों को कहता है,
फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, आप लोगों को फोर्थ नंबर का क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना है। जब तक मैं आप लोगों से बोलता हूँ कहता है, ये कहता है, वो कहता है, जब तक आप लोगों को एक बार कह ही लेना है क्वेश्चन कहता क्या है। मैं बोलता हूँ क्या कहता है, वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर डिजिट। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर आप लोगों से पूछा गया है। मीन्स दो अंकों वाली एक संख्या दी गई, लगभग क्वेश्चन पहले जैसा ही है दिया गया है। दो अंकों की एक संख्या दी गई है और संख्या में एक अंक दूसरे का तीन गुना है और इनके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर हमें 88 प्राप्त होता है। इतना 88 प्राप्त होता है। लगभग क्वेश्चन पहले जैसा ही है, इसमें भी आप लोगों को ये परेशानी नहीं होना चाहिए। इसमें भी आप लोगों को एक एकांक द्विअंक मानना पड़ेगा क्योंकि दिया गया है दो अंकों की संख्या एक अंक जो दूसरे अंक का तीन गुना है, एक अंक दूसरे अंक का तीन गुना है। माना क्वेश्चन जो आप लोगों का फोर्थ नंबर का दिया है, लेट लेट द नंबर इज, माना की संख्या, माना की संख्या एक्स और थ्री एक्स है, माना की जो इकाई का अंक है, माना की इकाई का अंक, इकाई का अंक ही माना पड़ेगा, इकाई का अंक क्या रहेगा आप लोगों का एक्स और आप लोगों का इकाई का अंक हो गया एक्स और बात करते हैं दहाई के अंक की, दहाई का अंक आप लोगों का हो गया है 3x। इसमें आप लोगों को परेशानी नहीं होगा, इकाई का अंक दिया गया है, दहाई का अंक हो गया है आप लोगों को। अब आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आप लोगों को सीधा संख्या बनाना है, फ्रॉम के स्थान चेंज करने है तो सीधा संख्या बनाते हैं। इकाई का अंक ये हो गया, दहाई का अंक ये हो गया, तब दो अंकों की संख्या, तब दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या होने वाली है, दो अंकों की संख्या होगी आप लोगों का इकाई के अंक पर x और दहाई के अंक पर 10 × 3x प्लस हो गया, इनको प्लस ही करेंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का x, ये होगा आपका 13x होगा, x प्लस 13x मीन 31x, सीधा सीधा आप लोगों का हो जाएगा 31x। तो ये आप लोगों की पहली संख्या। अब आप लोगों को बोला गया है अंकों का स्थान चेंज करना है, अंकों का स्थान यदि हम अंक स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर, चेंजिंग द प्लेस न्यू वैल्यू मीन्स न्यू नंबर इज, बदलने पर चेंजिंग द प्लेस न्यू नंबर इज व्हाट 10, और यदि इसका स्थान बदलते हैं हम तो ये क्या स्थान क्या इकाई के अंक पर दहाई आ गया, दहाई के अंक पर इकाई, इकाई का अंक पीछे होता है तो आप लोगों का ये रहा, साथ ही साथ आप लोगों का दहाई का अंक एक्स और ये आप लोगों का 10, ये आप लोगों का 10x और प्लस 3x हो जाएगा तो ये आप लोगों का होगा 13x हो गया। अब आप लोगों को संख्याएं प्राप्त हो चुकी है, दो अंकों की संख्या आप लोगों को ये थी, नंबर बदलने पर आप लोगों को ये प्राप्त हो चुकी है, यहां तक आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन आप लोगों से कहता है प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होते हैं, दोनों जो संख्या हमें दी गई हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी इजी है ये क्वेश्चन। तो पहले जो हमें संख्या ज्ञात की थी, क्वेश्चन कहता है कि संख्या ज्ञात की और संख्या पलटने पर जो संख्या ज्ञात की थी उन दोनों का योग मीन 31x प्लस 13x कितना प्राप्त हो रहा है आपको 88। सॉल्व करते हैं इसका वेरी इजी है, तो 3 × 4 ये हो जाएगा आप लोगों का 3 × 4 x ये हो जाएगा 88। बात करें x का वैल्यू आप लोगों को कितना प्राप्त होगा 88/44 इस कट करते हैं तो ये आप लोगों का 2 प्राप्त होगा, x का जो वैल्यू आप लोगों का 2 फाइंड होने वाला है। अब आप लोगों से पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि दी गई संख्या क्या दीजिए, तो दी गई संख्या आप लोगों क्या होगी, x का यदि वैल्यू हम लोग प्राप्त हुआ कितना 2 और बात करें यदि 3 की तो 3 मीन आप लोगों दहाई का कितना प्राप्त हुआ 6, 3 × 2 = 6 होता है तो अंक क्या होगा इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 6, आंसर होगा आप लोगों का 62 आप लोगों का इसमें राइट आंसर होना है, इसमें आप लोगों को भी परेशानी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के चलने वाला हूँ। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आशा करता हूँ इसमें भी आप लोगों को परेशानी ना हो, क्वेश्चन में परेशानी होती है तो रेगुलर 3 बजे मैं आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के रूप में क्लास लेकर के आता हूँ, सो आप लोग 3 बजे लाइव आ जाना है और आसानी से क्लास देखना है, रेगुलर आप लोगों के लिए क्लासें चलती रहेंगी। ओके, इसी के साथ मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, बिना टाइम खर्च किए हम सीधे सीधे पॉइंट ऑफ फैक्ट पर बात कर रहे हैं, कोई भी आप लोगों को फालतू की आवक जावक नहीं लगा रहे हैं, यदि कोई परेशानी हो तो फिर भी आप लोगों से एक बार और
पूछ लीजिए। ओके, लेकर के चलता हूं। क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आप लोगों से, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कहता है आप लोगों से, शबो मिस दिया गया है, शबो मदर, सबूज मदर, शिबूस की माँ, पेरेंट्स इज इज सिक्स टाइम्स सेबू पेरेंट्स इज, मीन सिब्बू की जो उम्र है दिया गया है, जो सिब्बू की माँ की आयु, सिब्बू की आयु की छह गुनी है। और बात करते हैं यदि सिब्बूस इज फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ, मीन्स पांच वर्ष बाद सिब्बू की जो आयु है उसकी माँ की वर्तमान आयु की एक तिहाई हो जाएगी। क्वेश्चन में बहुत 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 कुमार आया है, मतलब एक बार फिर से इसको पर को समझना है, क्या कह रहा है आप लोगों से, सिब्बू की माँ की आयु, सिब्बू की आयु की छह गुनी है, अभी करंट की बात कर रहा है, पांच वर्ष बाद पांच साल बाद सिब्बू की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की एक तिहाई हो जाएगी। तो वर्तमान आयु जो उसकी है उसकी एक तिहाई हो जाएगी, तो उसकी आयु क्या है, इसकी सिब्बू की, याद करते हैं दोस्तों क्या आयु है। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से समझना है, मैं आपको फिर से बोलूंगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों में जितनी बार क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी बार आप लोगों को प्राप्त होगा। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, जितनी बार क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी बार आप लोगों को प्राप्त होगा, बोल क्या रहा है। तो इसी साथ हम इसको शुरुआत करते हैं, सिक्स नंबर का क्वेश्चन आप लोग, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप लोग क्या कहता है, सपोज